What is up guys, तो मेरा नाम है चरबा और मैं कॉन्करर कॉम्पिटिटिव प्लेयर हूँ। ऑल राइट गाइज, तो इंडिया में दो फेमस कस्टम्स ऑर्गेनाइजर्स है, पहली विलेजेस स्पोर्ट्स, दूसरी लाइफ क्राफ्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे अच्छी अच्छी टीम इंडिया की खेलने आती है, जैसे कि सोल क्लैन, हाइड्रा क्लैन, एनटीटी, फिनेटिक, टीआरएस, आईएसओ क्लैन, जैसे बड़े बड़े क्लैन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। जो प्रो बंदे लोग होते हैं वो ही यहाँ पे आके खेलते हैं, ठीक है। ओके, तो बात रही कि आप ये कॉम्पिटिटिव कस्टम्स कैसे ज्वाइन करोगे, आपकी पूरी की पूरी स्क्वाड ये कॉम्पिटिटिव कस्टम्स कैसे ज्वाइन करेगी, इसके लिए क्या करना होता है, कहाँ जाके अप्लाई करना होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्राइटेरिया रहती है। तो गाइस ये वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि गाइस मैं किस तरीके से कॉम्पिटिटिव कस्टम्स खेलता हूं और लाइफ क्राफ्ट में भी खेलता हूं, गाइस ये किस तरीके से हुआ, इसके लिए क्या क्या किया मैंने, पूरा का पूरा चीज अभी मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज की आपको स्क्वाड बनानी होगी। अगर आपके पास स्क्वाड नहीं है तो गाइस आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाइए, बूस्टर माइंड्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, वहां जाके आपको फाइंड स्क्वाड हियर करके चैनल मिलेगी, वहां जाके आपका स्टैट्स का फोटो डालिए और आपकी पबजी की आईडी डालिए। अगर किसी को आपका स्टैट्स देख के अच्छा लगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी पबजी की आईडी के रिक्वेस्ट भेज देंगे। एक और चीज बताना चाहूंगा, आपने सुना होगा टीआरएस क्लाइन बहुत बड़ी क्लाइन है, कॉम्पिटिटिव खेलती है कस्टम्स हर रोज, तो वहां पे अभी रिक्रूटमेंट चल रही है। गाइस यहां पे अबाउट टीआरएस करके एक चैनल है, वहां पे रिक्वायरमेंट्स में अंदर जाइए तो आपको पूरी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएगी कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स का क्या है, क्या क्या है, और अप्लाई ईयर में जाके आपको आपका स्टैट्स के फोटो अपलोड करने यहां पे आके अप्लाई ईयर में, ऑलरेडी यहां पे बहुत लोगों ने अपलोड कर दिया जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये यहां पे आके आप अप्लाई कीजिए। गाइस उन लोगों को अगर चाहे तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिक्वेस्ट भेज देंगे टीआरएस क्लाइन के थ्रू और आपको बता देंगे कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो ये प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लाया हूं, 1xbet। यहां पे आप लोग जिस भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, फिर चाहे वो क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्यों ना हो, यहां पे आप स्पोर्ट्स की नॉलेज यूज करके बैट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इस पे आपने जो भी मनी जीती है इसका विड्रॉल काफी इजी है, आपको सिंपली अपने बैंक अकाउंट के अंदर ही बैंक मनी में ले सकते हो। अगर आप लोग प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि पिन कमेंट्स में दिया हुआ है, तो आपको सीधा 100 USD का बोनस भी मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है, और उन पैसों को आप यूज भी कर सकते हो। तो देर किस बात की, पिन कमेंट में जाकर लिंक से रजिस्टर करो और अच्छे पैसे कमाओ। तो अभी आपकी स्क्वाड बन चुकी है, तो अभी क्या करना है, राइट। तो गाइस जो मैंने किया था वही मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कस्टम्स ऑर्गेनाइजर्स है, लेकिन ये जो चार कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजर्स है सबसे बेस्ट है और बहुत महीनों से ये चल रहे, तो मैं इन लोग का नाम बताना चाहूंगा जहाँ पे मैं खुद खेलता था। पहला डोमिनेटर, दूसरा IGC, तीसरा ब्रूटल, चौथा चार्ज क्यू। तो गाइस मैंने चार कॉम्पिटिटिव कस्टम्स ऑर्गेनाइजर्स के नाम क्यों लिए आपको पता है, क्योंकि गाइस सपोज आप डोमिनेटर में जाते हो और आज की स्लॉट की बुकिंग फुल हो जाती है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है IGC का, IGC में जाइए बुक कीजिए, अगर यहाँ पे भी फुल हो जाता है तो आप ब्रूटल में जाके बुक कीजिए आज का स्लॉट, अगर वहां पे भी फुल हो जाता है तो चार्ज क्यू। ऐसा कभी नहीं होगा कि गाइस चारों के चार में फुल हो गया और आपको कहां पे भी नहीं मिला, डेफिनेटली आपको एक ना एक में मिल ही जाएगा। एक क्या बोल रहा हूं मैं, दो ज्यादा ज्यादा एटमैक्स अब बुरी किस्मत रही तो गाइस दो में फुल हो जाएगा, लेकिन तीसरे में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं। ये चार कस्टम ऑर्गेनाइजर अलग अलग लोग हैंडल करते हैं, अलग अलग डिस्कॉर्ड सर्वर है इसके, तो गाइस डेफिनेटली आपको चांस मिल जाएगा चारों में से कहां पे भी अप्लाई करने के लिए। यहां पे ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आपकी दो की गेड़ी मिनिमम रहनी चाहिए, तीन की रहनी चाहिए, लिटरली आपको सिंपली जाना है इन लोग के डिस्कॉर्ड सर्वर पे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है चारों की भी, डोमिनेटर, IGC, ब्रूटल, चार्ज क्यू, वहां पे आपको इन लोग के डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाना है। वहां पे जाके गाइस वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि बुकिंग चालू हो चुकी, बुकिंग करो, दोपहर में होती है बुकिंग, वहां पे बुकिंग कर दीजिए, आपके स्क्वाड का नाम लिखा लीजिए, फिर आपको रात में 6 से 7 बजे के बीच में कुछ टाइमिंग होता है, पासवर्ड आ जाएगा डिस्कॉर्ड सर्वर पे, पासवर्ड लीजिए, खेल लिए वहां पे कस्टम्स। और गाइस यहां पे एक सीन बताता हूं, लिटरली कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ सीन नहीं कि केडी आपकी एक है दो है तो आप नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है, मतलब समझ जाओ कोई भी कर सकता है, ठीक है। और अभी बात रही कि यहां पे कैसा होता है ये सब सीन, आप अब बोलोगे कि कॉम्पिटिटिव कैसा, कि एक दो केडी वाले भी आके खेलेंगे तो कॉम्पिटिटिव नहीं हुआ, राइट। हां ऐसा है, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा क्योंकि आप टीयर 3 स्लॉट्स में हो, आप अप्लाई करोगे स्टार्टिंग में तो आप टीयर 3 स्लॉट्स में रहोगे, नो मैटर आप डोमिनेटर में अप्लाई कर रहे हो, IGC, ब्रूटल या चार्ज क्यू, आप सबसे पहले टीयर 3 में जाओगे। टीयर 3 में अगर आप अच्छा खेलते हो, आपके किल्स ज्यादा निकल रहे, सबसे ज्यादा आपके स्क्वाड्स के किल्स है, या तो आप चिकन डिनर मारे जा रहे हो बैक टू बैक, उन लोग क्या करेंगे, उन लोग खाली रूम बना के छोड़ते नहीं, उन लोग रूम बनाते हैं और स्पेक्टेटर मोड में उन लोग 4 या 5 लोग आपको स्पेक्टेट करते हैं, आपके पॉइंट्स देखते हैं, आप कितना किल निकाल रहे हो, आपका गेमिंग स्किल्स देखते हैं उन लोग, आप चिकन डिनर निकाल रहे हो कि नहीं। अगर आप समझ जाओ एक हफ्ता चिकन डिनर पे चिकन डिनर निकाले जा रहे हो, किल्स निकाले जा रहे हो बहुत अच्छा, आप कौन से भी डोमिनेटर, IGC, ब्रूटल, चार्ज क्यू, चारों में से किस में भी जाके आप किल निकाल रहे हो, तो गाइस डेफिनेटली आप टीयर 3 से टीयर 2 में प्रमोट करोगे ही करोगे। जैसे ही आप एक हफ्ता आपको अगर आप अच्छी किल्स दिखाओगे ना और रेगुलर रहोगे एक हफ्ता, तो डेफिनेटली आपको उन लोग टीयर 2 में प्रमोट कर देगा। अब टीयर 2 में गाइस बहुत अच्छा सीन है, यहाँ पे गाइस एक दो केडी के लोग नहीं आते जहां तक मुझे पता है, डेफिनेटली 4-4 केडी वाले बंदे लोग रहते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, और यहाँ पे चिकन डिनर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ये ऐसा सीन है कि 6th जोन में भी गाइस 40-50 बंदे अलाइव रहते हैं, और यहाँ पे बहुत हार्ड पड़ जाता है चिकन डिनर लेने को, क्योंकि वो वहां पे सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे 40 लोग अलाइव रहते हैं इतने छोटे छोटे जोन में। तो ये कॉम्पिटिटिव होता है टीयर 2। टीयर 2 में जाना भी मुश्किल है क्योंकि आपको एक हफ्ता लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी इन लोगों को टीयर 3 में रह के, ठीक है, तो आप प्रमोट हो गए और टीयर 2 में सब कॉम्पिटिटिव मिलेगा आपको, और टीयर 2 में भी अच्छा खेलते हो आप डेफिनेटली टीयर 1 में जाओगे उन लोग के, और ये सब टीयर 1 और टीयर 2 व्हाट्सएप पे होता है, तो उन लोग आपको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप
ग्रुप में डाल देंगे, उन लोग खुद आपसे आपका नंबर मांगेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे और वहाँ पे आपको खेलना। और टीयर वन में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप टीयर टू में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हो एक दो हफ्ते तक, मतलब अभी टीयर टू तो बहुत हार्ड होता है लेकिन फिर भी समझ जाओ आप प्रो हो, बहुत प्रो, आपकी स्क्वाड अच्छा खेले जा रही है, तो डेफिनेटली उन लोग आपको टीयर वन में प्रमोट करेंगे। टीयर वन में गाइस इंटरनेशनल पब्लिक आएगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे वहाँ पे और खेलेंगे, तो गाइस आपको भी मजा आएगा टीयर वन में खेलने का। और टीयर वन बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, टीयर वन मतलब समझ जाओ बहुत प्रोफेशनल है। लेकिन एज पर मैंने कहा कि ये डोमिनेटर आईजीसी ब्रूटल और चार्ज क्यू है, तो अगर आप डोमिनेटर में टीयर वन स्क्रीम में हो इसका ये मतलब नहीं कि आप लाइफ क्राफ्ट में जाओगे तो वहां पे भी टीयर वन में रहोगे, या विलेजेस स्पोर्ट में जाओगे वहां पे भी टीयर वन होगे, यूनिवर्सल नहीं होता ये, सिर्फ डोमिनेटर कस्टम्स ऑर्गेनाइजर्स वालों के लिए ही आप टीयर वन में हो। अगर आप आईजीसी में जाते हो तो वहाँ पे आप टीयर थ्री से शुरू करना होगा आपको, तो गाइस ऐसा हर जगह आपको टीयर थ्री से ही शुरू करना होता है, तब जाके आप उन लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे, ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे एक तरीके का। तो गाइस हम लोग तो गाइस लिटरली हर एक जगह पे टीयर टू टीयर वन में आ चुके ऑलरेडी, तो हम लोग खाली नाम काफी है कि गाइस हम लोग अपना नाम बता देंगे तो उन लोग ऑटोमेटिकली हम लोग टीयर वन के स्लॉट्स दे देते। तो गाइस ये चीज आपको भी मेंटेन करनी है कि आप खेलोगे तो गाइस नजर में आओगे, तो आप उन लोग ऑटोमेटिकली आपको स्लॉट टू इतना टीयर टू में स्लॉट्स देने लग जाएंगे, तो गाइस डेफिनेटली आपको। और हाँ, ये चार के चार कस्टम ऑर्गेनाइजर्स वाले आपसे एक रुपया नहीं लेंगे, मतलब ये टोटली फ्री कस्टम रूम प्रोवाइड करेंगे हर दिन। तो गाइस आपको सिर्फ इतना करना है कि हर दिन सुबह या दो या तीन बजे के आसपास अनाउंसमेंट होती है तभी आपको बुक करवा लेना है, मतलब बुक का मतलब ऐसा होता है कि खाली आपका नाम लिखा दो, ऐसा नहीं कि बुक मतलब पैसा ऐसा देना होता है, ये टोटली फ्री है, टेंशन मतलब कोई भी लिटरली आके ज्वाइन कर सकता है। मैंने आपको इनकी डिस्कॉर्ड की लिंक दे दी हुई है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाइए और ये चार के चार डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी, डोमिनेटर आईजीसी ब्रूटल चार्ज क्यू गाइस, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, आराम से कस्टम्स दे देंगे सबको, ठीक है, तो आप एंजॉय करोगे, एक असली वाली फीलिंग आएगी आपको, कब आएगी पता है कंपिटिटिव खेलने की, जब आप टीयर टू में आ जाओगे, टीयर थ्री में नहीं आएगी, वहां पे आपको खाली इतना फोकस करना है कि अच्छे किल्स निकालो, चिकन डिनर लो बैक टू बैक, तब जाके आप टीयर टू में प्रमोट हो गए। टीयर टू आप जैसे ही टीयर टू में प्रमोट हो गए ना, उन लोग आपसे व्हाट्सएप का नंबर मांगेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओगे, समझ जाओ गाइस आपका, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हो ना आपका करियर स्टार्ट हो चुका है कंपिटिटिव में। ओके गाइस, तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपका करियर स्टार्ट हो चुका है ई स्पोर्ट्स में, राइट, तो गाइस आप टीयर टू के स्लॉट्स में खेल रहे हो, टीयर टू के रूम्स में खेल रहे हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे लोग आपके पहले से खेल रहे हैं यहाँ पे, तो गाइस अगर आप अच्छा खेल रहे हो, किल्स पे किल्स निकाल रहे हो, तो जो प्लेयर्स वहाँ पे रह गए वो किल फिट्स देखेंगे और देखेंगे कि आप बैक टू बैक किल निकाल रहे हो, तो गाइस आपको डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट आएगी आपके व्हाट्सएप पे, आपको व्हाट्सएप पे भी सेम ही नाम रखना है, जैसे आपका जो गेमिंग नेम है वही नेम आपको व्हाट्सएप पे रखना है, जैसे कि सपोज आपका गेमिंग नेम है डार्क डेविल, तो आपको वही नेम आपको व्हाट्सएप पे भी रखना है ताकि दूसरे लोग रिकॉग्नाइज कर सके कि ये आप ही हो, आपका ही नंबर है, तो आपको रिक्वेस्ट भेज सके, आपको मैसेज कर सके। किल फिट्स पे नाम आएगा डार्क डेविल, तो गाइस डेफिनेटली लोगों को समझ में आ जाएगा डार्क डेविल अच्छा प्लेयर है, बार बार किल निकाल रहा है, बार बार एंगेज हो रहा है फाइट्स में, समझ जाएगी अच्छा प्लेयर है, और आपको जो आपका नाम रहेगा डार्क डेविल, इसके बीच में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, राइट, स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब जो अलग अलग जो आप गूगल से ढूंढ के कॉपी पेस्ट करते हो वैसा कुछ सीन मत करो, सिंपली लिख दो डार्क डेविल, ऐसा नो स्पेस, स्पेस चलेगा लेकिन ऐसा डार्क डेविल नॉर्मल लिखो, ताकि कोई भी अलग बंदा सर्च करके पबजी में आपको रिक्वेस्ट भेज सके, तो आपको रिक्वेस्ट हर रोज चेक करनी है, और जो जो अच्छे प्लेयर्स लगे उन लोगों को ऐड करो, आप उन लोगों के साथ खेलो। तो इसमें गाइस मैंने मेरा बिहेवियर और मेरी स्किल्स देख के बहुत लोग मेरे दोस्त बन गए गाइस, लिटरली आप मानोगे कि नहीं कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं जिन लोगों को मैंने असली दुनिया में कभी नहीं देखा, और बहुत सारे दोस्त लोग हैं, तो गाइस वो जो दोस्त लोग ऑलरेडी कंपिटिटिव कस्टम्स खेल रहे वो लोग मुझे अपने टीम में बुलाते हैं, मैं उन लोग के लिए भी खेलता हूं कभी कभी, मेरे बहुत दोस्त लोग हैं, मैं किसी ना किसी के साथ मेरे कस्टम्स ऑलरेडी बुक रहते, मुझे खुद को पता नहीं चलता, उन लोग मुझे फोन करते बोलते आ जा कस्टम रूम में, रूम आईडी पासवर्ड दे देते, मैं सीधा चला जाता हूं उन लोगों के साथ, ऐसा कुछ सीन नहीं कि मैं पर्टिकुलर एक ही स्क्वाड के साथ खेलता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है कि गाइस उन लोग मुझे बुलाते रहते हैं, गाइस मेरा मतलब उन लोग ने मुझे बिहेवियर और स्किल्स दोनों के ऊपर देख के रखा है। आपको हाँ एक चीज बताऊंगा, बिहेवियर बहुत अच्छा रखना होगा आपको अगर आपको इन लोगों के साथ खेलना है, तो कोई भी बंदे के साथ खेलते हो ना लाइफ में, तो गाइस बिहेवियर सबसे मेन चीज है। बिहेवियर में मैं एक चीज बताऊंगा, कितना भी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो, आप हार जाओ या आपकी टीम नॉकआउट हो जाए स्टार्टिंग में, कुछ भी सीन हो जाए, बस आप किसी को चिल्लाओ मत, किसी की गलतियां मत निकालो, कुछ मत करो, अनलेस अंटिल वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता तब तक उनकी गलतियां मत निकालो, कुछ मत बोलो। गाइस जब तक नए नए दोस्तों अच्छे से बिहेव करो, एकदम बोलते ना पोलाइटली बिहेव करो, एकदम पोलाइट रहो, गाइस डेफिनेटली आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ेगा। एक जन इंट्रोड्यूस होगा तो आप वो एक दोस्त आपको दूसरे दोस्त से मिलाएगा, इस तरीके से आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। गाइस सबसे मेन चीज ई स्पोर्ट्स में आना तो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, गाइस कॉन्टैक्ट्स मतलब समझ जाओ, अभी सपोज यहाँ पे डोमिनेटर में कोई बंदा खेल रहा है वो लाइफ क्राफ्ट पे भी खेलता होगा, अगर वो आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो डेफिनेटली उसको आपका गेम अच्छा लगा इसलिए रिक्वेस्ट भेजेगा, वो आपके साथ एक दो क्लासिक खेलेगा, क्लासिक खेलेगा उसको पता चल जाएगा आप अच्छे बंदे हो, आपका बिहेवियर अच्छा, आप अच्छे फॉलो कर रहे हो, टीम कॉल्स दे रहे हो, आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, आप कंपिटिटिव खेल सकते हो, तो वो आपको लाइफ क्राफ्ट के लिए बुलाएगा। हाँ गाइस अभी सपोज लाइफ क्राफ्ट पे जो
बंदे लोग ऑलरेडी टीयर वन या टीयर टू पे खेल रहे, तो अब आप सोचोगे आपको वापस टी थ्री से स्टार्ट करना होगा, ऐसा नहीं होता। खाली दो बंदे नॉर्मल उन लोग के चाहिए होते हैं, वो लोग आपको टीयर वन पे भी डाल सकते हैं। अगर सपोज मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे टीयर वन स्लॉट्स पे खेल रहा है, विलेजेस ई स्पोर्ट्स पे, या बोलते ना या लाइफ क्राफ्ट पे मेरा एक दोस्त खेल रहा है टीयर टू या टीयर वन स्लॉट्स पे, और गाइस वहाँ पे सपोज समझ जाओ कि टीयर वन स्लॉट्स पे मेरा एक दोस्त खेल रहा है, वहाँ पे चार लोग खेलते हैं यूजुअली, लेकिन आज उन लोग के पास तीन ही प्लेयर है, एक जन की कमी है, तो गाइस वो मेरा दोस्त तो मुझे बुला लेगा। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि मुझे वहाँ पे टी थ्री से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि लाइफ क्राफ्ट है, मैंने आज तक कभी लाइफ क्राफ्ट के लिए खेला नहीं है, तो डायरेक्टली मैं टी वन में जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है गाइस, और एक जन उन लोग आसानी से डाल सकते हैं अंदर। तो इसलिए गाइस मैं कहता हूँ कि गाइस अगर उन लोग तीन लोग है और मैं एक हूं ना गाइस, तो आसानी से मैं उन लोगों के साथ खेल सकता हूँ टी वन स्लॉट्स में। याद रखना टीयर वन में मैं खेल सकता हूँ उन लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग मेरे दोस्त है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गाइस जितना ज्यादा फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा ना गाइस, उतनी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी आपके लिए। और फ्रेंड सर्कल कब बढ़ेगा? जब आपका बिहेवियर अच्छा हो, आपकी स्किल्स अच्छी हो। डेफिनेटली अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है ना और स्किल्स थोड़ी कम है, तो भी गाइस आपका बढ़ जाएगा गाइस, क्योंकि मेरा बिहेवियर अच्छा है, इसलिए गाइस सब लोग मुझे अपना फ्रेंड्स बना के रखे अभी तक। और गाइस मेरे बहुत पुराने दोस्त लोग जिन लोगों के साथ मैं अभी भी खेलता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल बढ़े ही जा रहा है, इतना बढ़ रहा है कि गाइस पूछो मत। बहुत सारे नए दोस्त लोग अभी मिलने पे आए, तो गाइस इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखो, और पहली चीज स्किल्स बढ़ाते जाओ, बिहेवियर तो और अच्छा होते ही जाएगा आपका, और स्किल्स भी बढ़ाओ। और दूसरी चीज, जब तक आप कॉम्पिटिटिव कस्टम्स खेलोगे नहीं, तब तक आपकी फ्रेंड सर्कल कॉम्पिटिटिव में नहीं बढ़ेगी। हाँ, दूसरे फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव में आगे आना, तो कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स बढ़ाने होंगे, तो वो तभी बढ़ेगा तब आप कॉम्पिटिटिव खेलना शुरू करोगे। छोटा या बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस शुरू करने से फर्क पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चार कस्टम्स ऑर्गेनाइजर्स जैसे शुरू करो, बस शुरू करो गाइस, बाकी सब अपने आप होते जाएगा लाइफ में। गाइस आपको खाली शुरू करने की देरी है, तो शुरू कर दो इसे।